Oh shit, here we go again. Yeah, Faltu. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका इस सीरीज इस सेगमेंट में जिसका नाम है सवाल सैटरडे। मतलब रैंडमली आपके सवाल उठाए जाते हैं और उनका मिलता है आपको जवाब इस सवाल सैटरडे में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल किसका है। दिलप्रीत सिंह ने 18 घंटे पहले सवाल पूछा है। सर, आई सॉ लास्ट ईयर कट ऑफ एंड आई एम गेटिंग TFW इन ओरिएंटल मेन एंड CS wherever IT and LNCT मेन विदाउट TFW, विच वन इज बेटर टू टेक एडमिशन, प्लीज आंसर। तो पहली चीज, ये जो मेन को हम कंसिडर कर रहे हैं 1994 और 1995 से। अब अगर आपको कोर ब्रांच में प्लेसमेंट चाहिए, कोर ब्रांच क्या होता है, मान लीजिए आप अगर CS में कोई भी ब्रांच ले रहे हो और CS में आपको कोडिंग में जाना है, दूसरी चीजों में जाना है, तो बेसिकली ये जॉब जो है आप उसी लाइन में करना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं कोर ब्रांच में प्लेसमेंट। तो आप यहां पर फिर ओरिएंटल का CS लीजिए, राइट, क्योंकि अगर आपको LNCT का मेन CS नहीं मिल रहा है, आप IT ले रहे हो और आपको कोर ब्रांच में जाना है, तो आप फिर ओरिएंटल लीजिए। लेकिन अगर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट, कहीं पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं, आप नहीं है श्योर कि मुझे कोर ब्रांच में आना है, तो फिर आप LNCT का IT प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो आयुष दूसरे नंबर का इनका सवाल है, 16 घंटे पहले पूछा। हेलो सर, JEE मेंस 72%, CBSE बोर्ड 86, होम स्टेट मध्य प्रदेश एंड पूरे गवर्नमेंट कॉलेज ETC बोर्ड CS IT सिविल along with TFW scheme with or without, please suggest me MPDT. सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, अभी MPDT लगभग 64 काउंसलिंग के साथ साथ आने वाली है, राइट। सो अगर आप इसको देखें तो इसी सितंबर के बिल्कुल लास्ट में ये कुछ अनाउंस करेंगे, डेट वगैरह आ जाएगी आपको, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि टॉप कौन से कॉलेज है, ये सारे कौन से कॉलेज है, वो मैंने लिस्ट आपको दी गई है, राइट। अब अगर हम मेन बात करें कि आपको इस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सिविल में देखिए, सिविल में आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, आपको माधव इस परसेंटाइल पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ग्वालियर वाला, राइट, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आप इसको देख सकते हैं। RGPB आप इसको टारगेट कर सकते हैं, RGPB के बाद UEG जैन इंजीनियरिंग कॉलेज इनको टारगेट कर सकते हैं, सती विदिशा, ये आपको कॉलेज थोड़ा सा इजी होंगे, राइट। लेकिन अभी यहां पर क्योंकि स्कोप और है, लास्ट अभी आपकी रैंक आने वाली है जो आपने लास्ट JEE दिया है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको वेट करना है थोड़ा सा, मे बी आज कल परसों में ये रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद रैंक के हिसाब से और मैं थोड़ा सा क्लियर बोलने पाऊंगा। और एक और अच्छी बात है आपके लिए, अभी नेक्स्ट वीक में यहां पर, राइट, जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया था हमारे किसमें सेमिनार वेबिनार में, जिसमें मैं DT काउंसलिंग के ऊपर बताने वाला था, सो वो मैं नेक्स्ट वीक लेके आ रहा हूँ। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, कंग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पर कॉल या मैसेज आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया तो नीचे लिंक दी गई हो, जाओ जल्दी जाके करो। ओके, तीसरा सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, सैयद रमीज अली का। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए धन्यवाद। ओके, 94 इन CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन जनरल मध्य प्रदेश, ओके ग्रेट। सो काफी सारा लंबा चौड़ा सवाल पूछा है इन्होंने, JEE मेन 40% CT DAVB ग्रुप सी मैथमेटिक्स अटेंडेड MPDW थ्रो SGS ITS इंदौर DAVB RGPB भोपाल में MTech में कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, आपका 40% है और सबसे ज्यादा जो डिमांड है अभी CS की है, तो जो कॉलेज आपने बताए इन कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आपको कोई भी चांसेस दूर दूर तक नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए, राइट। तो बेटर है कि कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए भी है, तो आप थोड़ा सा नीचे आपको आना पड़ेगा, BU रीवा से, आपको इंदिरा जो सागर में है, इस तरह के कॉलेज देखने पड़ेंगे। मुकुल साहू, सर ड्रॉपर कैन ऑल्सो अप्लाइड फॉर MPDT काउंसलिंग, राइट, मुकुल साहू ने पूछा है। मुकुल, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यस, ड्रॉपर भी अप्लाई कर सकते हैं MPDT काउंसलिंग में, आपको बस एक गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है, और ये कहां से बना लोगे आप, किसी भी नोटरी फॉर्म से जाके आप बना लोगे, राइट। सो आप 100 रुपए 150 रुपए वो लेगा, आपको गैप सर्टिफिकेट दे देगा, और लेकिन मैं आपको बता दूं, गैप सर्टिफिकेट की जरूरत एडमिशन के टाइम पे मिलती है, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप 1 साल का ड्रॉप हो, 2 साल का ड्रॉप हो, ये मैटर नहीं करता है, बस आपको अपनी डिटेल डालनी होती है और आप अप्लाई कर सकते हो। ओके,
ये नहीं पूछा है सर, मेरे जेई में 47 है, क्या मेरा IIST इंदौर और चमेली देवी इंदौर में एडमिशन हो सकता है या CS ब्रांच के लिए होम स्टेट OBC कैटेगरी। देखिए इस परसेंटाइल पे चमेली देवी और IIST में आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन जब आप इन चमेली देवी को और IIST को कॉल करोगे तो ये बोलेंगे कि इनकी सीट भर चुकी है। हालांकि रियलिटी ये है कि किसी भी कॉलेज की अभी तक सीट नहीं है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि अभी जितने भी कॉलेजेस है ना प्राइवेट, देखो ये कर रहे हैं धंधा, बिजनेस कर रहे हैं, और राइट, और बिजनेस करने के लिए आप उनके हो कस्टमर, क्या हो ग्राहक। सो सीधी सी बात है, उनको पता है कि यार CS की थोड़ा सा डिमांड आएगी, काउंसलिंग में बहुत सारे लोग CS भरेंगे, जब उनको किसी कॉलेज में CS नहीं मिलेगी तो वो हमारे कॉलेज को चूज कर लेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, मैंने यहाँ पर XYZ चीज बनाई है, मेरा एक मॉडल बहुत बिक रहा है, दूसरा मॉडल को कोई पूछ नहीं रहा है, राइट, सो मैं उसको स्टॉक में रखूंगा और मे भी ब्लैक में बेचूं, मे भी दूसरी चीजों में। तो ये यहाँ पर CS में आपको कमिटमेंट नहीं देंगे कोई भी कॉलेज ज्यादातर, राइट, और बाकी चीजों में आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन इसका भी आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वेबिनार सेमिनार ज्वाइन करो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो इनके हाथ में भी नहीं है वो पावर आपके हाथ में है काउंसलिंग के तौर। जी हाँ दोस्तों, राइट, सो आप कैसे करोगे, सो नेक्स्ट वीक हम लेकर आ रहे हैं वेबिनार, जिसमें गूगल मीट पर जूम पर हम 1-to-1 इंटरेक्ट होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें याद रखनी है, कैसे काउंसलिंग करना है, किस रैंक पे किस तरह से काउंसलिंग करना है, सो और भी चीजें होंगी। मैंने एक कोर्स भी बनाया था इससे रिलेटेड, डेडिकेटेड राउट, तो नीचे लिंक दी गई होगी उसकी भी, सो आप पूछिए उसके बारे में, क्वेरी कर सकते हैं। सन लीजेंड पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाउ कैन आई गेट TFW सीट इन 70% एंड आई एम नॉट एबल टू टेक प्राइवेट कॉलेज बिकॉज ऑफ फीस, सो वॉट कैन आई डू एंड आई एम नॉट गेटिंग ए गुड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर CSEC। सर आपका नाम क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में आप देख रहे हो और इस परसेंटाइल पे अगर आपकी CSIT ब्रांच नहीं है, CSITC नहीं चाहिए, सो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है TFW राउंड में एडमिशन लेना, अगर आप इस ब्रांच को नहीं चूज करो तो, राइट। सो यहाँ पर नीचे भी आप पूछ सकते हो किसी से भी, राइट, किस तरीके से क्या करना है और बने भी रहना है हमारे साथ। नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो TFW की जब चॉइस फिलिंग हम करते हैं तो कॉलेज के आगे, ब्रांच के आगे TFW लिखा होता है, वहां पर जाके आपको टिक करना होता है, और फिर आप अगर उसको टिक करते हैं तो वहां पर जब काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो मिल जाता है। और उससे पहले, काउंसलिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं इस रैंक पर। सो वेट करते हैं 1-2 दिन का, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, यहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। वो क्यों, वो इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब कि यहां पर इस बार आने वाली है रैंक, राइट, अभी आपको परसेंटाइल आया, अब यहां पर रैंक आ जाएगी, मतलब यहां क्लियर समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है। ओके, कुलदीप तिवारी यहां पर बात कर रहे हैं, राइट सर, 92% है इन JEE मेंस, EWS बेस्ट कॉलेज फॉर CS। देखिए 92% इन JEE मेंस में, मतलब ये आपका अच्छा खासा परसेंटाइल है, 1 लाख के अंदर आपकी रैंक है, EWS कोटा भी है, मतलब सोने में सुहागा है, राइट, और अगर बेस्ट कॉलेज फॉर CSE तो आपको सीधी सी बात मैं बताऊं कि अगर बेस्ट कॉलेज की बात मैं करता हूं तो मेरा तो यहां पर जाके मैं रुक जाता हूं HGS ITS पे, क्योंकि इससे अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा ही नहीं, कई NIT भी इसके आगे नहीं है मेरे भाई, ट्रस्ट मी, राइट, किसी कॉलेज की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये आपका बड़ा भैया समझा, आपको समझिए कि ये बता रहा है, बाकी में अच्छा कॉलेज है खास तौर से CS ब्रांच के लिए। उसके बाद आप DAB भी चूज कर लो, JEE चूज कर लो, माधव चूज कर लो, बस इससे नीचे आप मत जाइएगा, इन्हीं कॉलेज में आप लीजिए, अगर इससे नीचे आप जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डमाडोल। ओके, ऋषभ यादव, 80% इन JEE मेंस, OBC होम स्टेट, सिविल और EC ब्रांच, बेस्ट कॉलेज प्लीज लेट मी नो। 80% सिविल के लिए एक अच्छा परसेंटाइल है, क्योंकि अगर आप यही CS में मांगते तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, होते भी तो बहुत कम होते, लेकिन आपका क्योंकि सिविल है तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं, अच्छे कॉलेज आप देख सकते हो, Top 2 कॉलेज अगर आप छोड़ दें, Top 2-3 कॉलेज, राइट, HGSITS, JEE और आप DAVB, तो बाकी सारे कॉलेजेस के आपके चांसेस बन रहे हैं, इजीली आपको यहां पर मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, राइट, सो बसरते अगर आप चॉइस फिलिंग गलत तरीके से ना करो तो। ओके, सो यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, शुभम
पुरवार 91 इन JEE चांस इन MP गवर्नमेंट कॉलेज यस डेफिनेटली इज देयर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है राइट सो ये चीज इस बार थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ाने वाला है क्योंकि जो 30% लोग हैं जो ज्यादा पास हुए 12th में और ये आपका गेम बिगाड़ेंगे राइट सो पुराने कट ऑफ के हिसाब से नहीं जाना है हमें यहां पर चीजों में अवेयर रहना है और इसलिए इस चैनल के साथ भी जुड़े रहना है और एक और चैनल है 100% टाइम मैं वहां पर आऊंगा राइट सो बहुत कुछ कर रहा हूं वहां पर और ज्यादातर टाइम भी मेरा वहीं पर जाता है तो वहां पर आके आपको लाइव आकर मैं बताऊंगा चीजों को राइट 100% नाम का चैनल है मे बी नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी नहीं मिलेगी तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। विवेक गुप्ता एमपी डोमिसाइल 75 में ईसी ब्रांच इन टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? ओह इसी देखिए ब्रांच इनको चाहिए टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए 70% है भाई मेरे टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको कोई भी चांसेस नहीं है इतने परसेंटाइल पर। रचित बोरा यहां पर पूछ रहे 94% है होम स्टेट कोटा है ओके दस ग्रेट सजेस्ट मी सम अदर गुड ऑप्शन दिस एपिसोड सेकंड से ट्राई कर रहा हूं आप मेरा सवाल लेते ही नहीं हो राइट देखिए रचित यहां पर आज आपका सवाल ले लिया है तो आप मुझे धन्यवाद करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे देखो यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं सारे सवाल लूंगा अब सवाल सैटरडे को हम यहां पर 2-3 और यू नो मंडे भी कर देंगे और यहां पर वेडनेसडे भी कर देंगे वो लेकिन तभी करेंगे यार थोड़ा सा मोटिवेशन दो ओके शेयर करो इस वीडियो को। चलिए 94% जनरल होम स्टेट कोटा JEE में CS मिल जाएगा क्या? देखिए परसेंटाइल अच्छा है दूसरी बात है आपके पास है होम स्टेट कोटा ये अगेन सोने में सुहागा है अगर आपके पास EWS वगैरह है क्या सो मुझे लेट मी नो या फिर मुझे मैसेज कर लीजिएगा क्योंकि आपके अच्छे परसेंटाइल है और चॉइस फिलिंग आपको सबसे ज्यादा सावधानी से यहां पर भरनी है क्योंकि आप इसमें चॉइस फिलिंग में अपग्रेड जब करोगे फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करोगे तब आपको ये चांसेस 100% बन जाएगा। अब वो अपग्रेड कैसे करना है क्या करना है तो भैया काउंसलिंग में बने रहना मैं आपको सेमिनार में जरूर लूंगा क्योंकि मे भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो जल्दी से जाओ नीचे जाके कर दो फ्री सीरी रजिस्ट्रेशन है राइट बट स्लॉट बुकिंग है वहां पर आपको करनी होगी। चार्मिंग जीतेन मालवी सर MPDT काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है सो MPDT काउंसलिंग लास्ट सितंबर से में लेट यू नो डेट आएगी लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट ईयर भी सबसे पहले वहां पर DT में अनाउंस होने से भी पहले मैंने बताया था पेपर में आने से भी पहले मैंने बताया था वही डेट आई भी थी राइट आप देखिएगा 100% चैनल उसमें भी वो वीडियो डला हुआ है राइट सो यहां पर भी मैं आपको अपडेट करूंगा बहुत जल्द लेकिन क्या है कि जिस तरीके से JEE जब तक एडवांस का नहीं होगा JEE मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तो उससे पहले तो काउंसलिंग हो ही नहीं सकती ना अब खुद से यूज करिए सो ये लोग जितना डिले करेंगे रिजल्ट आने में उतनी ही काउंसलिंग डिले होती जाएगी। अभिषेक कुमार सर मेरे 94% है OBC झारखंड बेस्ट कॉलेज ऑप्शन देखिए भाई साहब आप हो झारखंड से राइट अब आपको कहाँ के बेस्ट कॉलेज चाहिए थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं है यूपी है महाराष्ट्र यू नो तो कितनी सारी तो स्टेट है आपको किस स्टेट में चाहिए। MP में आपको बेस्ट कॉलेज में थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि बाहर वालों के लिए 10% ही कोटा होता है यहाँ पर सो ये चीज आपको ध्यान देखनी हो। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको सवाल लूंगा थोड़ा सा आप अगर मुझे क्लियर करोगे किस स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए क्योंकि वाकई में 6,355 कॉलेज है इंजीनियरिंग के ऑल ओवर इंडिया में सो मैं सारे कॉलेज तो नहीं बता सकता यार सिर्फ MP में ही हमारे 150 ऐसे कॉलेज है जिनको कोई भट्टे के भाव भी नहीं पूछता है राइट सो अब उसमें बहुत सारे आ जाते हैं नाम मत लोगे यार कैमरे के सामने ओके सो चलो कम टू द पॉइंट आदर्श राज क्या काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज आते हैं या नहीं आते सो DTE काउंसलिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो यस ये प्राइवेट के लिए भी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी होती है मतलब यहां पर मिला के घुमा फिरा के बात अगर मैं कहूं या सीधी सीधी बात करूं तो जितने भी कॉलेजेस हैं जो RGPB यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उन सब की काउंसलिंग ही DTE से होती ही होती है एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी एनी यूनिवर्सिटी गिनी चुनी है JEE होगी RKDF सत्य साई बाबा यूनिवर्सिटी होगी पीपल्स यूनिवर्सिटी होगी JEE और आपका सेज यूनिवर्सिटी होगी इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली जितने भी पॉपुलर हैं सभी DTE काउंसलिंग में आते हैं ABCD अब कौन है आई डोंट नो बट इन्होंने सवाल पूछा है MP डोमिसाइल 41 एंड JEE प्राइवेट कॉलेज इंदौर में एडमिशन मिलेगा CSIT ब्रांच IPS मेडिकेप्स एक्रोपोलिस ETC
देखिए इनका 41% है और अगर आपको CSIT ब्रांच चाहिए तो जो आपने कॉलेज दिए हैं IPS, Medicaps, Exnopolis, इन तीनों में से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके सो अब ये थोड़ा सा इसको रूड नहीं मानना, लेकिन आप क्योंकि मुझसे ये सब सवाल कर रहे हैं तो मुझे डायरेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं। कोई भी चांसेस आपका नहीं है, बट यस आप बने रहना हमारे साथ, हम आपको अदर अदर ऑप्शंस बताते रहेंगे, तो नॉलेज गेन करते जाओ। अच्छा श्रीवास्तव सर जी, SGSIT जबलपुर शायद ये GGIST कोई कॉलेज ही नहीं है मेरे पास, ज्ञान गंगा की बात कर रहे हो कहीं आप, तो ये देख लेना फुल फॉर्म लिखा करो प्लीज, क्योंकि यहाँ पर जैसे इतने सारे कॉलेजेस हैं राइट। सो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया 6000 कॉलेज है, उन सबका नाम कोड वर्ड में आप लिखोगे तो नहीं, जो आप GGIST जो कॉलेज बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ ज्ञान गंगा से राइट। सो अगर ये ज्ञान गंगा कॉलेज है तो ठीक है, जबलपुर से CS करना सही रहेगा। अक्षत श्रीवास्तव देखिए आप जिस कॉलेज की बात कर रहे हो ये अंधों में काड़ा है राइट। सो जबलपुर में क्योंकि ज्यादा कॉलेज है ही नहीं राइट, सो वहां पर मैं अगर आपको एक आपके गांव में कोई 10वीं पास हो या 12वीं पास हो राइट और बाकी सब अनपढ़ हो तो वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वो पढ़ा लिखा बोला जाएगा। लेकिन जब वो 12वीं पास वाला बंदा एक वहां पर MBA वाले बंदे के पास जाएगा, एक जो ग्रेजुएशन वाले बंदे के पास जाएगा, तो उसकी कोई औकात नहीं है। सो आपको ये समझना होगा, अगर आपको जबलपुर से ही करना है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो आप फिर इस कॉलेज को चूज कर सकते हो राइट। अब इसके अलावा आपके पास JEC भी है, इसको भी मत भूलिएगा, तो पहले तो JEC के लिए ही ट्राई करो मेरे भाई। चलिए सूरज कुशवाहा MBA सस्टोन से करना बेटर होगा कि नहीं? देखो मेरे भाई सीधी सी बात करें, अब आपने MBA का सवाल पूछा है, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन भैया नॉलेज देने में कौन सी घटती है राइट, फ्री नॉलेज ले लो बटोर लो। सो MBA सस्टोन से करोगे तो सस्टोन वाला मतलब क्या है, आपके पास कॉल आता होगा लोन ले लो लोन ले लो, और ये सस्टोन वाले क्या कहते हैं एडमिशन ले लो, मतलब आप हमसे लोन की जगह एडमिशन ले लो और हमें फीस तब पे करना जब आपकी जॉब लग जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास नहीं है रोकड़ा सोकड़ा तो आप यहां पर इसमें जा सकते हो, किसमें, सस्टोन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इनकी कहावत ही वही है लोन जिस तरीके से बैंक वाले पीछे पड़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि भाई आप यहां पर एडमिशन ले लो, हम आपका प्लेसमेंट करा देंगे, और जब प्लेसमेंट करा देंगे तब हमारी फीस दे देना राइट। सो ये सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास फीस है तो आप बेटर कॉलेज चूज करिए, नहीं है तो मतलब कुछ ना आने से कुछ मिलना ही सही। सो आई होप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफी सारे हमने क्वेश्चन लिए हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन बने रहना है मेरे भाई मेरे साथ, क्योंकि जैसे ही यहां पर DTE होगा तो हम भी बरसाती मेंढक की तरह फदक के आ जाएंगे और सारी वहां पर सीरीज काउंसलिंग आपको बताएंगे। बट एक अच्छी खबर ये कि नेक्स्ट वीक में हम यहां पर एक सेशन कर रहे हैं जिसका नाम वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स फ्रेंड दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।